जो ब्लड डोनेट करते हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे रखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है देखिए क्या होता है कि ब्लड की जरूरत होती कब है, चलिए जब दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना होने पर क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। तब ब्लड की कमी होगी तो उस टाइम एक ब्लड चाहिएगा, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि अगर शरीर में क्या हो जाए, रक्त की कमी हो जाए शरीर में, तो भी क्या होती है, ब्लड की जरूरत होती है। तो देखिए ज़्यादातर क्या होना चाहिए कि जब शरीर में क्या हो, रक्त की कमी हो, तो जितना हो सके ब्लड किसका लेना, रिलेटिव्स का लेने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमारे जो भी रिश्तेदार हैं वो लगभग कैसा होना चाहिए, उन्हीं का होना चाहिए ब्लड। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपके टाइप का, क्योंकि आपके रिलेटिव से आप ही के टाइप का क्या मिलेगा, ब्लड ग्रुप मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके उन्हीं का ब्लड लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ब्लड जो है उसके अंदर क्लोटिंग की प्रोसेस बने ही नहीं। दूसरा, ब्लड की ज़रूरत कब होती है, जब शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाए, शरीर के अंदर अगर ब्लड की कमी हो जाए तो भी क्या पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तब भी इसी सिचुएशन के लिए कि या तो दुर्घटना हो तब ब्लड की ज़रूरत हो, या फिर शरीर के अंदर खून की कमी हो जाए तब किसकी ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है। तो वो कभी जितना हो सके अपना रिलेटिव से लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो आपके रिलेटिव हैं और वहाँ से आपको आपके टाइप का ही ब्लड ग्रुप मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से भी अगर आपको ब्लड ग्रुप, ब्लड जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप ब्लड बैंक से ले सकते हो। कहाँ से ले सकते हो ब्लड आप? ब्लड बैंक से। आप अपना ब्लड कहाँ से ले सकते हो, उसके लिए ब्लड बैंक से ले सकते हो। अब देखिए जो ब्लड बैंक होता है उसके अंदर क्या क्या जाता है, ब्लड को रखा जाता है, इकट्ठा करके संग्रहित करके रखा जाता है। तो ब्लड बैंक क्या हो गया, इसकी भी परिभाषा अपन बना सकते हैं, ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहां क्या कर रहे हैं हम, जहां हम ब्लड को सुरक्षित रख रहे हैं। सुरक्षित और क्या हो, इकट्ठा हो, संग्रहित हो, और क्या हो, संग्रहित हो, वो क्या कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। क्योंकि उसके अंदर क्या है, नाम ही क्या है ब्लड। अब देखिए हम जो सामान्यतः बैंक देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, पैसा ही पैसा होता है उस बैंक के अंदर, लेकिन ये जो ब्लड बैंक है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लड ही ब्लड होगा। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि इस ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को संरक्षित रखा जाता है। कैसे, ब्लड बैंक में ब्लड का संरक्षण कैसे, यहाँ पे उसको रखा जा रहा है, वो किस तरीके से रखा जा रहा है, यहाँ पे ब्लड को संरक्षित रखा जा रहा है उसके क्या मिला के, उसके अंदर, उसके अंदर सोडियम साइट्रेट, ब्लड में सोडियम साइट्रेट मिला करके उसको काफी लंबे टाइम तक क्या किया जाता है, कैसे, लगभग 30 दिनों तक सोडियम साइट्रेट मिला के ब्लड को 30 दिनों तक रखा जा सकता है। तो वहाँ पे ब्लड बैंक में संरक्षित रहता है, सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है ब्लड में, और उसको 30 दिनों तक आराम से यूज में ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा ये आपको, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो ब्लड बैंक में। अब देखिए ब्लड बैंक जो है, ऐसा तो है ना कि खुद पैदा कर रहा है ब्लड, यहाँ पे देखिए लगातार इसके अंदर ब्लड बना रहे, उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए रक्तदान जरूरी है। क्या जरूरी है, उसके लिए रक्तदान जरूरी है। अब क्या होता है कि वो लगातार जब ये प्रोसेस होती रहेगी तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे वो जो रक्तदान है उसे यहाँ पे लगातार क्या बना रहेगा, ब्लड बना रहेगा। इसके अलावा देखिए, ब्लड किस व्यक्ति का ले सकते हैं हम, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बहुत बीमार है, जिसको शरीर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं और क्या हो रहा है, फिर वो व्यक्ति क्या कर पा रहे हैं, वो व्यक्ति खुद दूसरों को क्या ब्लड देगा जो खुद बीमार है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्ति कौन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है। कौन दे सकता है ऐसा व्यक्ति, सबसे पहले आता है फर्स्ट, जिसकी आयु क्या हो, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष। पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए उसके अंदर, कि उसकी आयु कैसी होनी चाहिए, 18 से और 60 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, उसका वजन जो है, उस व्यक्ति का वजन 45 किलो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उस व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए और उसका वजन कितना होना चाहिए, 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, उसका जो हीमोग्लोबिन है, उसका जो ब्लड है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसकी कितनी मात्रा, 12.5 से ज़्यादा ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ब्लड डोनेट वही व्यक्ति कर सकता है जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी हो, 12.5 से ज़्यादा हो। अभी नेक्स्ट आता है, उस व्यक्ति ने पिछले 3 महीने से क्या नहीं किया हो, ब्लड डोनेट नहीं किया, पिछले 3 महीने से रक्तदान नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति ब्लड दे सकता है। या फिर एक ऐसा आदमी जिसका 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हो, 6 महीने के अंदर उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, यानी कि ब्लड देने के लिए पूर्ण रूप से क्या चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति चाहिए, जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, यानी कि सेम व्यक्ति के जैसा हो, 12.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो। इसके अलावा और देखिए, और भी बहुत से हैं, वो व्यक्ति जो ब्लड दे रहा है उसका बीपी, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल से समझते सामान्य होना चाहिए, इसका ऐसे नहीं कि बीपी कम है उसका या बीपी बहुत ज़्यादा है उसका, उसका बीपी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जो व्यक्ति क्या दे, ब्लड दे। अब नेक्स्ट आता है, जो व्यक्ति ब्लड दे रहा है उसके शरीर का टेम्परेचर, उसके शरीर का ताप कितना होना चाहिए, जो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है वो उसी का क्या होना चाहिए, इतना उसका ताप होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये सभी किसके, इनके वो इंसान ब्लड दे सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण प्रेजेंट है। तो और क्या होना चाहिए, उसकी जो धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है, वो कैसी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उसकी धड़कन सामान्य होनी चाहिए। अगला आता है कि वो आदमी किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसके अंदर किसी टाइप की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो भी किस टाइप की, जैसे एड्स, टीबी,
हिपेटाइटिस, इस टाइप की कोई गंभीर बीमारी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर ऑलरेडी इतनी बीमारियां हैं तो उस इंसान का खुद का ब्लड इन्फेक्टेड है, और वो जब इसी टाइप का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाएगा तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर एड्स, टीबी, हिपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां, ऐसे व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, जिसके अंदर चाहे ब्लड की कमी हो या फिर उस व्यक्ति का क्या हो, दुर्घटना हो गई उसके कारण ब्लड की कमी हुई हो। आगे देखिए, औरत ऐसी कौन ब्लड डोनेट कर सकती है जो क्या हो, जो प्रेग्नेंट नहीं हो, गर्भवती नहीं हो। जो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो, ये ऐसे टाइप के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति का ऐसे ब्लड लिया जाता है, जो ब्लड डोनेट करते हैं, उस टाइम उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं कि उस व्यक्ति कैसा, उसकी एज कितनी है, उसका वजन कितना है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसने कोई ऑपरेशन तो नहीं करवाया है, पिछले 3 महीने से ब्लड डोनेट तो नहीं किया है, उसका बीपी कितना है, उससे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, औरत है तो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और तब जाके क्या किया जाता है, उसी व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है जिसके अंदर ये सारे करेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने सीधा ऐसे पूछ ले कि रक्तदान के बारे में बताइए या फिर ब्लड बैंक के बारे में बताइए, तो अब आपको ये बताना है कि ये कि कौन सा व्यक्ति जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब देखिए, ब्लड देने के बाद में कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। वो क्या है देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जिस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया, यानी कि जिस व्यक्ति ने रक्त दान किया है, उस रक्त दान करने वाले व्यक्ति को जितना टाइम में क्या, जो 24 घंटे का टाइम है, यानी कि मिनिमम उसको 24 घंटे तक क्या नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को किसी टाइप का कोई व्यायाम यानी एक्सरसाइज, उसको ना तो एक्सरसाइज करनी चाहिए या कोई जो बहुत कठोर परिश्रम है वो भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका शरीर का जब अभी ब्लड बाहर निकला है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा उसको शरीर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो जो व्यक्ति है उसको ना तो परिश्रम करना चाहिए ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा आता है, उस व्यक्ति को रक्त देने के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे तक उसको जो लिक्विड, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए दूध, जूस, इस टाइप की चीज़ों का क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये था रक्तदान, उस बैंक के बारे में कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये इन सब के बारे में था। यहाँ से सीधा आपसे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्तदान के बारे में बताइए या फिर रक्त बैंक के बारे में बताइए, कौन व्यक्ति जो ब्लड दे सकता है या फिर रक्त देने के बाद कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो आप आराम से यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। या फिर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है जो आगे आपके आगे के लेवल के लिए भी ज़रूरी है कि ब्लड को ब्लड बैंक में कैसे सुरक्षित रखा जाता है, तो उसमें सोडियम साइट्रेट मिला करके क्या किया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ये था किसके बारे में, ये था ब्लड के बारे में, उसके दान के बारे में और किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें
और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।